अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। दिस इज़ वकार फ्रॉम कैमिन इंटरनेशनल साइंस कॉलेज अर्तालागा। वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लास फ्रॉम ट्रेनिंग इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सर समी साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे और उनकी प्रैक्टिस की होगी और लाजमन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज किया होगा। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट इन प्रीवियस लेक्चर यू हैड कवर्ड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज रिलेटेड टू इम्पैरेटिव सेंटेंसेस रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस। आपने उसके अंदर इम्पैरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, उसके जुमलों को बनाने का तरीकाकार सीखा और आपने वहाँ पर ये बात जानी कि कौन से रूल्स हैं विच आर यूज टू मेक आर कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस फ्राम इम्पैरेटिव फ्राम उर्दू टू इंग्लिश वैन द नेचर ऑफ सेंटेंसेज इज़ इम्पैरेटिव। यानी अगर किसी जुमले में कमांड हो, अगर किसी जुमले के अंदर कोई रिक्वेस्ट शामिल हो या किसी जुमले के अंदर कोई एडवाइस शामिल हो तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडेड इन किसके अंदर शामिल होते हैं, आर इंक्लूडेड इन इम्पैरेटिव सेंटेंसेस। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट एन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज विच इज़ रिलेटेड टू इम्पैरेटिव सेंटेंसेज रिगार्डिंग एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पर आप एक्सरसाइज के बारे में सीखेंगे जिसके अंदर हम एक्टिव वॉइस के हिसाब से जो इम्पैरेटिव के सेंटेंसेज हैं उनको हम कवर करेंगे। पहला जुमला देखिए, मुझे पानी का गिलास दो। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर एक टीचर कह रहा है तो ये हुक्म है, अगर आप किसी दोस्त को कह रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट है। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मेथड इज़ द सेम, तरीकाकार एक ही है बनाने का। मुझे पानी का गिलास दो, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, दो। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, दो। और मैं आपको बता चुका हूँ व्हेन द इम्पैरेटिव सेंटेंसेस आर मेड वी आर बाउंड टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एट स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। हमने क्या करना है, जुमले का आगाज ही हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डियर स्टूडेंट क्या है, गिव। मुझे अब मी लगेगा, आई नहीं लगेगा, गिव मी, गिव मी। आगे तर्जमा है, पानी का गिलास, अ ग्लास ऑफ अ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। गरीबों की इज्जत करो, इज्जत करो यहाँ पे डियर स्टूडेंट वर्ब है। अब यहाँ पे इज्जत करो की इंग्लिश क्या है, इंतहाई आसान है, फर्स्ट फॉर्म है रिस्पेक्ट गरीब, रिस्पेक्ट द पुअर, पुअर्स नहीं होता, पुअर, एक गरीब हो एक से ज्यादा हो। इन इंग्लिश लैंग्वेज देर इज ओनली वन वर्ड विच इज यूज टू इंडिकेट, वो क्या है, पुअर है, वेदर इट इज़ वन आर मोर देन वन, मोर देन थाउजेंड, मोर देन मिलियन। सो यू आर ओनली गोइंग टू यूज़ पुअर, आपने सिर्फ क्या करना है, पुअर इस्तेमाल करना है। हेयर इज़ ऑल्सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वक्त, काम वक्त पर ख़त्म करो, ख़त्म करो, यानी यहाँ पे वर्ब क्या, ख़त्म करो। यहाँ पे हम एंड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंप्लीट का करेंगे, ठीक है। कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, इन टाइम, ऑन टाइम, ये सारे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो लुक एट द बोर्ड दैट आई हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो राइट नाउ अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो, इख्तियार करो क्या है, वर्ब है, ये वर्ब था, ये वर्ब था, ये था, और यहाँ पे इख्तियार करो, हम इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्ट, ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, अडॉप्ट अच्छे लोगों की सोबत, द कंपनी ऑफ गुड पीपल, पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा, ठीक हो गई, अडॉप्ट द कंपनी ऑफ गुड पीपल, ठीक है।
अब यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म अवर आप देख सकते हैं, ये सारी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसका एक स्क्रीन शॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीन शॉट ले चुके हैं। आपने एक बात पे गौर किया होगा कि यहाँ पे मैंने मी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है किसका, प्रोनाउन का। प्रोनाउन पर डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव केस इसलिए लगाते हैं कि अगर ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता तो यहाँ पर आ जाता, बट हेयर यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, सो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एज मी। हमने इसको मी के तौर पे क्या किया, इस्तेमाल किया, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। सो राइट नाउ अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, यानी जिनके अंदर नफी की अलामत हो। अब देखिए यहाँ पे मत का सेंस है, मत दूरी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा लास्ट। इसको आप ना से भी बना सकते हैं, उन्हें तंग मत करो या उन्हें तंग ना करो। अब ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। काम से जी मन को कहते हैं, दिल को कहते हैं, ठीक है। अब जितने भी इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो सारे के सारे किससे बना जाते हैं, वो सारे के सारे डू नाट को हम स्टार्ट पे ले आते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या अगर लिखते हैं पहले डू नाट, तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, वो नेगेटिव बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे डू नाट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, यानी मजाक उड़ाना, ये वर्ब है मजाक, मेक अ नाइस, मेक अ डू नॉट मेक अ फन ऑफ पुअर, गरीबों का मजाक मत उड़ाओ। काम से जी मत चरो, डोंट शिर्क, शिर्क कहते हैं काम से जी चुराने को। डोंट शिर्क ऑफ वर्क, गाली मत दो, यह सबको पता है आपको। Do not abuse, don't abuse, उन्हें तंग मत करो। Do not, फिर देखें ऑब्जेक्टिव केस आया, उन्हें, वैसे दे होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, them होता है। ये दोनों प्रोनाउन है, दे और them दोनों क्या है, प्रोनाउन है। So you can see here Do not and do not। अब जब भी आप इंपैरेटिव सेंटेंसेस को बनाओगे यू आर गोइंग टू यूज do not। टेक अ स्क्रीन शॉट।
जी डियर स्टूडेंट, आप ले चुके हैं सभी चार्ज। सो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर यू हैव लर्नड अबाउट द प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ इम्पैरेटिव सेंटेंसेस एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्टडिंग एवरीथिंग रिगार्डिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। वेन यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस समथिंग इट मीन्स दैट यू आर इंटरेस्टेड एट हाई लेवल। आपका इंटरेस्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और आप चीज़ों को क्या है डे बाय डे कवर करते जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जितने भी लेक्चर डिलीवर करते हैं, चाहे वो उर्दू के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, सो हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है दैट यू आर फोकसिंग ऑन देम। आप उन पर क्या कर रहे हैं, आप तवज्जो दे रहे हैं, उनको आप गौर से समझ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यू कॉन्ट डू एनी थिंग। प्रैक्टिस इज़ एन एसेंशियल थिंग टू डू समथिंग, प्रैक्टिस इज़ द की टू अचीव योर गोल रिगार्डिंग योर स्टडी एंड रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ। इन बोथ टाइप्स ऑफ लाइफ प्रैक्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कैन चेंज होल द सिनेरियो ऑफ योर लाइफ। So dear student, be aware, be careful, stay with me in upcoming lectures. See you next time. Take care. Allah Hafiz. Bye. Thank you.